यस सो गाइज फाइनली आज हम करने वाले हैं अपना मैरिटिज्म के बारे में, ठीक है? तो मैरिटिज्म के कुछ रिवीजन क्वेश्चंस करते हैं, रिवीजन वाला पार्ट है, क्योंकि मेन तो हम कर ही चुके हैं. तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जैसे मान लो कोई भी एक वायर है, ठीक है, ये कोई भी एक वायर जा रही है टेढ़ी सी, अगर तुम्हें इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो मैंने तुम्हें बताया था इसके अंदर जितना करंट आता है उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है. इसका मतलब तो बायर सेवर्ट ने क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड. फिर इसने बताया जितनी ज्यादा लेंथ होती है, अभी मान लो ये छोटी सी लेंथ है, मान लो अगर डीएल, देखो छोटी सी चीज को हम डीएल मान के चलते हैं, मैंने बताया होगा ये भी शायद, अगर कोई चीज छोटी होती है उसे डी एक्स है तो छोटा क्या हो जाएगा, डीएक्स, ठीक है. इस तरीके से एल है तो वो क्या हो जाएगा, डीएल, ठीक है. ये तो कोई भी लेंथ होती है तो मैं उसे डीएल बोल रहा हूँ. तो जितनी बड़ी ये लेंथ हो जाएगी, तो इसने बोला जितनी ज्यादा लेंथ होती है उतना ही ज्यादा मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आती है, तो डीएल. फिर ये यहां से जितना डिस्टेंस होता है, मान लो ये है, ये एक डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस है, तो अब क्या लगता है डिस्टेंस जितना दूर होगा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी, कम होगी, क्योंकि दूर होने से ट्रांसफॉर्म कहीं पे फूक गया, मान लो एक बच्ची उसके पास में थी, एक बच्ची बहुत ही दूर थी गाँव में, तो किसको ज्यादा नुकसान होगा, गाँव वाली बच्ची को दो जो पास पास में में जो थी, पास में क्योंकि तो उसका अफेक्ट ज्यादा है ना, ठीक है. और एक और चीज, ये जो एंगल है ना, ध्यान रखना, ऐसा देखा गया कि वायर के 90 डिग्री पे एकदम मैक्सिमम हमको वो मिलता है, मतलब मैक्सिमम फील्ड आती है. तो जरा मान लो अगर ये मेरे पास थीटा रहा होगा, तो जरा बताना साइन कॉस टेन के अंदर वो कौन सा फंक्शन लें कि वो जो 90 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू देता हो. साइन है, कॉस है, या टेन है, किसके 90 पे एकदम मैक्सिमम वैल्यू आती है भाई? जितने भी ट्रिग्नोमेट्री सर, फंक्शन होते हैं, साइन साइन जितने भी ट्रिग्नोमेट्री साइन फंक्शन होते हैं, उन नाइनटी सबकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती. यस सर, तो यस कौन सर, सा ऐसा यस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो मैक्सिमम वैल्यू 1 देता है? साइन साइन. नाइनटी साइन साइन नाइनटी. नाइनटी साइन बिल्कुल सही. नाइनटी तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पे अगर तुमने साइन का वो लिया है, साइन थीटा वाला, तो जितना ज्यादा साइन थीटा होगा उतना ही ज्यादा मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी. बट डिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनवर्स रिलेशन है, वो भी स्क्वायर वाला. नीचे ज्यादातर स्क्वायर ही होता है ना, तुमने इतने सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, जीएमएम बाय आर यस सर, स्क्वायर, क्यू वन क्यू यस टू सर, बाय आर स्क्वायर, नीचे ज्यादातर स्क्वायर ही होता है. तो इन तीन, इन चारों को कंबाइन कर दो तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है आई डी एल साइन थीटा. अलावा प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट लगाया जाता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई. भाई मटेरियल के ऊपर भी तो डिपेंड करता है, तो इस म्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी कांस्टेंट. मान लो एक पत्थर है, एक लोहा है, एक सॉफ्ट आयरन है, तो अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग मैग्नेटाइज होगा ना. भाई मैग्नेटिक फील्ड किस मटेरियल से पास कर रहे हैं, किससे नहीं, वो नेचर के ऊपर भी तो डिपेंड करता है, तो वो कौन डिसाइड करेगा, ये यस सर, परमिएबिलिटी. तो सारे बच्चे याद रखेंगे, तो बायर सेवर्ट लॉ ने कोशिश करी ये बताने की कि अगर हमें किसी भी सब्सटेंस से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है, यस तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. यस रिपीट एवरीबडी. यस ऋषभ. म्यू नॉट बाय म्यू नॉट फोर बाय पाई फोर पाई आइडियल आई डी एल साइन साइन थीटा थीटा अपॉन आर अपॉन आर स्क्वायर, स्क्वायर आर स्क्वायर. ठीक है. तो इसका मतलब अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन बोल दिया जाए कि एक मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और अगर करंट आ रहा था आई, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बी थी. अब अगर मैंने करंट को 4 टाइम्स कर दिया, तो जरा बताना मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइम्स हो जाएगी? पहले जब करंट आई था तो टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड थी बी, अब अगर करंट 4 आई हो गया है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? फोर फोर. भी फोर हो जाएगी ऑफकोर्स, फोर भाई भी सामने का रिलेशन है ना, डायरेक्ट रिलेशन है. तो जब यस सर, जब आई था तो बी था, जब आई 4 हो गया तो ये भी तो 4 हो जाएगा, बच्चों वाली बात है, ठीक है. फोर होगा तो वो नीचे वाले फोर से कट नहीं जाएगा. अरे तो तुम तो मेन फॉर्मूले को ही डिस्टर्ब कर दिया, 4 से 4 कट जाएगा, लेकिन तुम्हें उससे मतलब नहीं है ना, क्योंकि ये पूरा ही अपने आप में एक फॉर्मूला है ना. फॉर्मूले के अंदर से तुम काट के क्या फायदा होगा, कटे जाएगा, लेकिन तुम ये पूरा बी का फॉर्मूला है ना, आस्था पूरा बी का फॉर्मूला है, यस सर, उसको चेंज करने का फायदा थोड़ी है. हम मेन फॉर्मूले के उसको चेंज नहीं करेंगे, वरना तो दिक्कत हो जाएगी. इसीलिए ओके सर, अगर वो तुमसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछता तब तुम काटते, अरे वो यही तो पूछते कितने टाइम्स हो जाएगा, इसीलिए बस. सर उसमें म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी फैक्टर. ये हर एक, जैसे रेजिस्टिविटी पढ़ा है, रेजिस्टिविटी एक यस वैल्यू दी जाती है ऐसी. अरे इतनी खतरनाक आवाज, ऐसा लग रहा है कहीं पे घोस्ट आ गया. ठीक है, बी
तुम्हें दे रखा है कि अगर रेडियस आर है तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड बी है. अब अगर तुम्हारी बोल दिया गया कि रेडियस को हमने टू टाइम्स कर दिया, रेडियस को टू टाइम्स कर दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी जरा बताओ. वेरी गुड. तो अब ध्यान रखना, कुछ ऐसे मत कर देना कि 4 4 = 16 हो जाएगा सर, आगे वाला 4 है. अरे ये फॉर्मूले का 4 है, फॉर्मूले के साथ थोड़ी कुछ करना है. तो इसलिए आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर जब 2r² करोगे तो वो 4 हो जाएगा, 4 को बाहर निकाल लो, ये पूरा b है, तो इसलिए वो 1/4 टाइम्स हो जाएगा. राइट एवरीबॉडी, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना आर स्क्वायर, इसीलिए. तो 2 टाइम्स करोगे तो वो अपने आप 1/4 हो जाएगा. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? नो सर. ठीक है. अच्छा मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि मेरे पास दो टाइप के करंट होते हैं. एक वो करंट जो चाहे कोई भी टाइम हो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं सर? डीसी. डीसी डायरेक्ट करंट, जो भी करंट नहीं करता है. ठीक है. अरे डराओ मत, किसी घर से आवाज आ रही है खतरनाक. ठीक है. तो अगर किसी का करंट कांस्टेंट है, ये आई है ये टाइम है, तो इसे बोलते हैं डीसी. और अगर किसी का अगर इस तरीके से ग्राफ आ रहा है ऐसा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एसी. एसी. तो टाइम के अकॉर्डिंग ये अपनी वैल्यू को चेंज करता है. देखो ना सारे बच्चे ध्यान रखें, एसी का अपना में अलग हिसाब होता है. देखो सारे बच्चे, ये अपने आप में अल्टरनेटिंग करंट है सर. ये एक सेकंड में अपनी वैल्यू को बहुत बार चेंज करता है. ठीक है. कम ज्यादा इस तरीके से. तो ये जो इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है ना करंट की, ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं? आई नॉट. आई नॉट का मतलब क्या है अपने आप में? एक मैक्सिमम वैल्यू. तो अगर तुम देखो, अब ये करंट तो अपनी वैल्यू चेंज करता जा रहा है, अगर तुम इसका एवरेज निकालोगे तो वो कितना आना चाहिए? मोस्ट टाइम तो जीरो आना चाहिए ना. देखो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो. तो क्या यहाँ पे एवरेज लेने से कोई फायदा है? नो सर. मतलब क्योंकि भाई इतने सारे चेंज हो रहा है तो एवरेज ही लेना चाहिए, लेकिन एवरेज लेके जीरो आ रहा है, तो अब हम क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में ना हमारे पास एक चीज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? IRMS. और ये IRMS का मतलब क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. ये IRMS एक तरह से वो वैल्यू है जो तुम्हें वैल्यू तो एवरेज जैसे देता है, और ये बिल्कुल एकदम सटीक होती है, लेकिन ये कभी तुम्हें जीरो नहीं देगा. मतलब मान लो बहुत सारे लोग हो तुम सारे, वेरी गुड, अच्छे अच्छे फिल्टर है. अगर तुम बहुत सारे लोग हो और भाग रहे हो मान लो अलग अलग स्पीड से, ठीक है, मान लो कोई नेगेटिव स्पीड में कोई पॉजिटिव में, तुम्हारा एवरेज निकाला कितना आया? जीरो. लेकिन क्या तुम सच में जीरो 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 थे? सच में तो जीरो नहीं थे ना यार. तो मुझे एक ऐसा फैक्टर चाहिए जो सच में तुम्हारा एवरेज दे. तो ऐसी कंडीशन में हम क्या निकालते हैं? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर करंट. जितनी भी वैल्यू है पहले उनका स्क्वायर किया जाता है, फिर उनका मीन निकाला जाता है, फिर उनका रूट लगाया जाता है. तो ये ऐसी कंडीशन में एक ऐसा एवरेज देती है जो जीरो नहीं आता और एक एकदम सटीक वैल्यू होती है ये. ठीक है. तो ऐसा देखा गया है कि अगर तुम्हें मैक्सिमम करंट पता है तो ये आई नॉट बाई हमेशा 1/√2 टाइम्स होता है. मतलब अगर तुम्हें मैक्सिमम करंट पता लग जाए एसी का, तो और तुमसे बोला जाए आई नॉट मैक्सिमम करंट है. हाँ आई नॉट मैक्सिमम करंट है, तो मैक्सिमम का 1/√2 कर दो तो ये तुम्हें IRMS मिल जाता है. और 1/√2 कितना होता है? 0.707 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अरे खाली करंट के लिए है ना? हाँ करंट के लिए है. इसे वोल्टेज के लिए भी करना हो तो भी कर सकते हो, लेकिन अभी करंट याद रखो. ठीक है. तो RMS करंट किसके लिए लेते हैं? DC के लिए. √2.7 थोड़ी होता है सर, 1.414 होता है. 1/√2 मैडम. देखो I not by root 2 है ना, तो 1/√2 हुआ ना, 1/√2 करो. अच्छा मतलब I not, अच्छा मैं बस root 2 मतलब I not की वैल्यू है. 1/√2 है ना, तभी तो नीचे आया root 2. 1 दिखता नहीं है ना कभी. root 2 करता तो फिर ऊपर लिखता ना मैं. ठीक है. अच्छा अच्छा. यस सर. यस सर. नहीं आ रहा किसी को समझ में? सर आ गया. ठीक है सर. तो इसका मतलब अब जरा एक बार सारे बच्चे ध्यान से सोचना, IRMS ज्यादा है या आई नॉट ज्यादा है? सारे बच्चे खुद देखे ध्यान से, IRMS ज्यादा है या फिर आई नॉट ज्यादा है? आई नॉट. आई नॉट. आई नॉट. आई नॉट ज्यादा है. सोच लो एक बार सारे बच्चे, मुझे नहीं पता सर. का श्योर हो? यस सर. द क्वेश्चन है. हां 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 बोलो बोलो सर. हमारी जो एनसीईआरटी बुक है सर, उसमें इलेक्ट्रिक मोटर डीसी है कि एसी है? देखो वैसे तो ये वाला इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मोटर कह रहे हो या इलेक्ट जनरेटर कह रहे हो?
सर मोटर दोनों सर कौन कौन से सर एसी है कि डीसी है? डीसी डीसी आता है दोनों डीसी है डीसी आता है हाँ 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 ओके सर ठीक है जनरेटर में भी डीसी आता है लेकिन ठीक है जो हम एसी भी करके चलेंगे क्योंकि हमारा फाउंडेशन वाला है ठीक है तो हमें सर आई नॉट तो मैक्सिमम वैल्यू होती तो मेरे ख्याल से वही होनी चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स बिल्कुल बिल्कुल आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू होते वही है एवरेज तो हमेशा कम आता है ना। मान लो एक लड़की तुम पांच लड़के भाग रहे हो कि रेस लगी है भागो तेज नहीं भागोगे तो पीछे रह जाओगे लाइफ इज अ रेस ठीक है तो सब लोग भाग रहे हैं बहुत मान लो सुहानी की हाइट तो ठीक ठाक है सुहानी बहुत तेज भाग रही है सब लोगों को पीछे कर दिया एकदम एकदम ऐसे बुरी तरीके से भाग लड़कों की रेस थी ना नहीं नहीं सुहानी भी आ गई कह रही है की बात ठीक है तो सुहानी भी भाग रही है सुहानी ने सबको पीछे कर दिया तो सुहानी उसमें हाईएस्ट वेलोसिटी है ना मान लो ये चल रही है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और बाकी सारे कितने चल रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सुहानी पता नहीं चल कहाँ चली गई लोग कह रहे कोई गया है अभी आवाज सी आई थी तो इसका मतलब वो मैक्सिमम है लेकिन जब मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो एवरेज 100 से ज्यादा आ सकता है क्या 200 बाकी तो कम है तो एवरेज कितना आएगा एवरेज आएगा 25 तो सुहानी करी है हाउ इज इट पॉसिबल मैं खुद तो 100 थी तो 25 कैसे आ सकता है एवरेज क्योंकि बाकी बच्चे तो कम थे एवरेज में यही तो दिक्कत आती है इसीलिए तो इसलिए अब यहाँ पे एवरेज निकालने से जीरो हो जाता है क्योंकि कुछ लोग तो पीछे उल्टी मान लो एक बच्ची पागल सी है वो उल्टी डायरेक्शन में भाग गई तो उसकी वेलोसिटी तो नेगेटिवली जाएगी ना उस ओरिजिन से तो जीरो आ गया पूरा। सोनी ने बोला कितना एवरेज आया वैल्यू 0.5 गिरी है मैं तो खुद 100 थी क्योंकि बाकी बच्चे नेगेटिव थे तो सोनी ने खूब मारा उनको थप्पड़ थप्पड़ वो अलग बात है वो बात की बात है मेन आता है टॉपिक के ऊपर तो इसलिए हमें क्या लेना चाहिए था आरएमएस लेना चाहिए था रूट मीन स्क्वायर। तो पहले हम रूट लेते हैं या स्क्वायर लेते हैं ये तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया लेकिन अगर मान लो तुम्हें 5 वैल्यूज दे दी जाए बोला आरएमएस निकाल दो पहले तो मैं क्या करना है स्क्वायर करना है फिर मीन निकालना है एवरेज से निकालते हैं और फिर रूट लगा देना है उसके ऊपर ठीक है याद रहेगा सब बच्चों को प्यारे प्यारे रूट मीन स्क्वायर है या स्क्वायर मीन रूट यस नाम इसका आरएमएस है लेकिन काम इसके उल्टे जैसे मान लो एक लड़की का नाम क्या है मधु लेकिन वो काम करती है कटु मतलब बहुत गंदे गंदे काम करती है मान लो मारती रहती है सबको ये मेरी मैडम ने बोला था मेरी मैडम का नाम था मधु तो उन्होंने बोला था मेरा नाम तो है मधु लेकिन मैं काम करती हूँ कटु क्योंकि वो बच्चों को बहुत मारती थी इतनी बुरी तरीके से मारती थी बच्चा जमीन पे धस जाता था इतना मारती थी बच्चों को मैथ वाली मैडम थी वो तो उन्होंने एक बार स्पीच में बोला था ये बात कि मेरा नाम तो बच गया मधु मैं बच गया ठीक है मैं सीधा था बहुत ठीक है बाकी जो होते हैं खतरनाक वाले बच्चे उनको मारती थी वो ठीक है तो इसका मतलब जिन जो नाम के अपोजिट हो जाए इनका नाम है आरएमएस लेकिन काम है इनके एसएमआर ठीक है भाई तो ऐसा है भाई याद रहेगा सब बच्चों को यस सर अच्छा स्पर्श अरे हाँ स्पर्श कहाँ है यस सर स्पर्श तुमने तैयारी नहीं करी थी इस बार के टेस्ट की सर वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था तो ऑप्शंस गलत तब भी जा रहे थे तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं फिर ये बात सर मैं मैसेज करना भूल गया था बताओ मतलब इमेज घटे तो घटे हमें कोई मतलब नहीं है जब सर पूछेंगे तो हम खुद ही बता देंगे ऐसा थोड़ी होता है तो पूरा प्रॉपरली बता के रखा करो जो भी चीज सिनेरियो होती है वो समय बताया करो कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो ठीक है तुम लोगों को टीचर से कोई मतलब नहीं है लेकिन टीचर को बच्चों से मतलब है कुछ लोगों को हमसे मतलब नहीं रखना है ठीक है मत रखो लेकिन हमें रखना पड़ेगा तो हमें बता के चलो कुछ बच्चे चाहते हैं बस हमें हमारी लाइफ में कैसे भी जीऊं हमको तंग मत करो बस ये मेरी लाइफ है मुझे अपने अकॉर्डिंग जीने दो अभी पहले बड़े हो जाओ तब जी लेना अपने अकॉर्डिंग अभी बच्चे हो ना 12th तक तो 12th तक हमारे कंट्रोल में रहो उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करना तुम ठीक है हाँ भाई एक सडान भी है यहाँ पे ऐसा पर ठीक है चलो सडान के अच्छे नंबर आते हैं लेकिन अगर सडान के अच्छे नंबर नहीं आते हम सडान को भी सुनाते पर ठीक है कोई बात नहीं सडान ने ऐसा कोई चांस दिया नहीं है कि हम डांटे उसे सडान स्कूल में क्या चल रहा है आजकल तुम्हारे सर अभी जो टेस्ट हो रहे थे अच्छा कैसे हुए टेस्ट सर अच्छे गए थे अच्छा ठीक है वो कह रहे ऑफ कोर्स अच्छे जाएंगे आप क्या पूछ रहे हो सर ठीक है चलो तो ये हमारे पास है आरएमएस अच्छा मुझे एक बात बताओ ये डीसी का सोर्स क्या होता है सर बैटरी ऑफ कोर्स सेल या बैटरी जो तुम खरीद के लेकर आते हो 5 रुपए की निप्पो निप्पो लो या ड्यूरासेल ये तो आपको सबसे तेज पावर क्या वो आता है एवरीडे शायद वो दो लोग भाग रहे होते हैं दो गुड्डे इनमें से एक बहुत तेज निकल जाता है कुछ लोगों ने टीवी भी नहीं देखा है कुछ लोगों ने इनको ड्यूरासेल का है ना मेरे को भी ड्यूरासेल है एवरेडी का तो बहुत पहले आता था एक सरदार जी आते थे ओ निप्पो ऐसे करते थे वो तो वो निप्पो वाला हेड भी आता था लेकिन निप्पो का टाइम अब जा चुका है ठीक है भाई
अच्छा एसी का सोर्स क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट का? जनरेटर। यस जनरेटर होता है, सबको पता नहीं है क्या जनरेटर चलाते हो ना वो शादियों में? मैंने बताया था ऐसी कोई शादी देखी है जहां पे अंधेरा हो, मान लो औरतें डांस कर रही हैं, सब लोग डांस कर रहे हैं अंधेरे में, एक आदमी है कह रहा है भैया ये क्या हो रहा है, मैं कह रहा डांस चल रहा है शादी तुम्हें दिख नहीं रहा कितने अंधेरे में, तो फिर फाइनली उसने जनरेटर लगवाया। फिर जनरेटर भी तो होता है वो जो लेके चलते हैं बच्चे बहुत सारे, कुछ बच्चे उन्हीं को धक्का मार देते हैं कि ढंग से डांस करना, वो जो गमला सा लेके चलते हैं लाइट वाला। यस सर। बेचारे बहुत छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं कभी कभी, तो चलो बड़े लोग लेके जाए तो अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चे आजकल शादी में लेके चलते हैं उन्हें, उसमें से एक लड़की कह रही कि भैया रहने दो मैं पकड़ लेती हूँ, वो कह रहा है ठीक है थैंक यू दीदी, तो पर ऐसा करना नहीं है ठीक है, अपनी बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी शादी में। ठीक है भाई। अच्छा हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो कितनी फ्रिक्वेंसी होती है? 20 वोल्ट। देखो अरे फ्रिक्वेंसी पूछा है मैडम। अच्छा फ्रिक्वेंसी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में होती है, मतलब एक सेकंड में कितनी साइकिल बन रही होंगी जो हमारे घर में आ रहा है करंट, कितनी साइकिल बन रही होंगी, एक साइकिल दो साइकिल 220? अरे भाई वोल्ट क्यों बता रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा फाउंडेशन वाले बच्चों की ऐसी हालत है, 50 हर्ट्ज आती है। क्या बोल रहे हो सर, आपकी आवाज कम आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर आ रही है। आ रही है, आ रही है, पूरी आ रही है। ठीक है 50 हर्ट्ज, 50 50, ठीक है जीरो लगा दो, जीरो तो वैसे भी है तो 50 हो गया हमारे पास। ठीक है तो इसका मतलब एक सेकंड में वो साइकिल 50 ऐसे करके बना रही है 50, तो ये 50 हर्ट्ज हमारे घरों में सप्लाई होती है। कैसे नहीं पता तुम लोगों को सुहानी, तुम्हें पता नहीं था कि ये बात? सर पता थी। ठीक है वेरी गुड। अच्छा और डीसी आ जाए तो डीसी में कितनी फ्रिक्वेंसी होती है? कोई नहीं बोलेगा। सडान, सडान डीसी में कितनी फ्रिक्वेंसी होती है? नहीं होती है सर उसमें। वेरी गुड शाबाश। यस डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट में कौन सी वेव बनी, सीधी तो है, कांस्टेंट ग्राफ होता है ना उसका सर, स्ट्रेट लाइन होती है। बिल्कुल सही, जब वेव ही नहीं बनी तो फिर फ्रिक्वेंसी कहां से बन जाएगी, तो जीरो आएगा डीसी के लिए, राइट एवरीबॉडी। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपको पता है कि अगर फिर हमारे पास 50 हर्ट्ज है तो जरा बताना 50 हर्ट्ज को आने के लिए कितना टाइम लगेगा। 50 हर्ट्ज है ना, तो कह रहा है कि अगर मान लो आपके घर में सप्लाई हो रही है 50 हर्ट्ज की तो टाइम कितना लगेगा? नहीं, टाइम तो भाई एक ही सेकंड लगेगा ना, एक सेकंड ये तो होता है, लेकिन अगर वो ये पूछे तुमसे कि एक टाइम पीरियड निकालो, टाइम पीरियड का मतलब एक वेव को बनने में कितना टाइम लगता है वो निकालो, तो कितना आएगा जरा बताना एक बार। 1/50 का 1/50, तो कितना आ जाएगा टाइम पे? 0.02 सेकंड। सारे बच्चे 0.0 कर रहे हैं लेकिन कितना 0.? 0.02 सेकंड। वेरी गुड सडान, यस और एवरीबॉडी 0.02 सेकंड। ठीक है इसका मतलब एक वेव को बनने में इतना टाइम लग रहा है। भाई फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में ये रिलेशन होता है ना? यस सर। तो फ्रीक्वेंसी, अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी पता तो तुम टाइम निकाल लोगे। अच्छा एसी और डीसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम एसी क्यों यूज करते हैं आज, डीसी क्यों नहीं करते? सर क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा अगर डायरेक्ट करंट ज्यादा सप्लाई होगा तो। ये क्या बात हुई, नहीं नहीं एसी को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कम एनर्जी वेस्ट करके। हाँ ये एक एग्जैग्रेशन है, शॉर्ट सर्किट तो कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है। तो इसीलिए हमारे पास एक हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए, मैंने वैष्णो देवी का एग्जांपल लिया था याद आया? यस सर। जब घर से मान लो भेजा वहां पे 1000 तुम्हें मिला कितना, 2, बाकी कहां गया, बाकी चोरी हो गया। लेकिन अगर एसी की बात करते हैं अगर भेजा 100 है तो 100 में से 98 मिल जाएगा, सिर्फ 2 ही लॉस होगा। ठीक है तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए बहुत कम लॉस जो होता है वो एसी में होता है, ठीक है याद रहेगा, डीसी में लॉस ज्यादा हो जाता है। नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया। अच्छा हर्षिता ये सोलेनोइड क्या होता है? सर जो मेटालिक वायर को हम लोग कॉइल कर देते हैं ना, और जब उसके थ्रू करंट पास कर दे तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। वेरी गुड, इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन सबको याद है, एग्जाम में स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है When a current carrying coil, एक सेकेंड, हाँ इस तरीके से हमारे पास बनाए जाते तो क्या लिखना है तुम्हें, When a current carrying coil is rotated in a या फिर insulated copper wire wound on a cylindrical format या cylindrical insulated body, number of turns, इस तरीके से लिख सकते नहीं ले सकते? Yes, तो ऐसे लिख सकते हो, When a coil of many circular turns of insulated copper wire wound on a
सिलिंड्रिकल फॉर्मेट या फिर सिलिंड्रिकल इंसुलेटिंग बॉडी. तो फाइनली इट क्रिएट द फील्ड. मैंने शायद इसके फील्ड का फॉर्मूला ही बताया था. जैसे मान लो ये तो चलो सोलेनोइड हो गई, अगर मान लो यहाँ पे तो वेरी गुड शाबाश. तो ये मेरे पास तरीके से, हाँ हाँ सर मास खटाल हुआ. अच्छा तो ये मेरे पास क्या है, तो ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड. आई नो मैं बहुत स्मार्ट लगता हूँ बिना मास्क के. कैन टेल योरसेल्फ एवरीबॉडी. ठीक है तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ रही है. तो जो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एन आई. मैंने शायद वो भी बताया था, एक गाना भी है म्यू एन आई, याद है न्यूयॉर्क वाली मूवी का था, कैटरीना कैफ थी उसमें और भी बहुत लोग थे, पता नहीं कौन सा थे लेकिन कैटरीना कैफ याद है मुझे. तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू एन आई. म्यू एन आई को लोग बोलते हैं सर यू एन आई विल टॉप द एग्जामिनेशन, लोग बोलते हैं ना आपस में यू एन आई विल गो देयर एंड टॉप द एग्जाम. ठीक है तो म्यू का मतलब क्या है, परमिएबिलिटी. एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स. अच्छा ये नंबर ऑफ टर्न्स है या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. वेरी गुड माही, वेरी गुड. मतलब माही के नाम पे भी गाने हैं, तुमने सुना है माही या ओ माही, पता नहीं ऐसे कुछ है ना सर. बहुत है सर. हाँ माही तो और किसी में आता हूँ, माही माही माही. ठीक है टॉप करोगे तुम बोर्ड में, इस तरीके से भी होता है. चलो ठीक है तो टोटल नंबर जो मेरे पास लेंथ है, और जो मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100 और टोटल लेंथ कितनी है 200, तो जरा बताना पर यूनिट लेंथ कितनी आ गई. 0.5 नहीं आ गया. 0.5 yes. इसका मतलब एक यूनिट लेंथ पे सिर्फ आधा ही तो बना होगा टन, पूरा हो ही नहीं पाया. नहीं आया समझ. आ गया. अच्छा एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, और एन का मतलब होता है कैपिटल एन. तो क्या मैं इस एन को कैपिटल एन अपॉन में एल लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ. अगर तुम्हें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पता लग जाए और टोटल लेंथ पता लग जाए तो स्मॉल एन पता लग जाएगा. तो बी इज इक्वल टू म्यू एन आई होता है, ये किसी को दिक्कत नहीं. अच्छा मैंने एक टोरॉइड बताया था क्या तुम लोगों को? वेरी गुड शाबाश. यस अगर ये मेरे पास ऐसे गोल बना दिया जाए, एक एक सर्कुलर कॉइल ले लो मान लो ऐसे, तो फिर उसके लिए क्या आता है, फिर उसके लिए भी सेम फॉर्मूला आता है, याद आया? yes, sir. Yes, sir. लेकिन वहां पे अब लेंथ तो होगी नहीं, तो वहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, 2πr. 2πr यार है ना, तो ये हो जाएगा 2πr, क्योंकि इसकी लेंथ 2πr ही तो मानी जाएगी फिर. yes, sir. अरे भाई कॉइल को रोटेट कर दिया तो अभी 2πr yes, हो जाएगा ना, और ये आई का ही रहेगा. तो तुम्हें कुल मिला के क्या याद रखना है, म्यू एन आई. सारे बच्चे बोले म्यू एन आई, मतलब यू एन आई. ठीक है भाई. यस yes. कोई भी पूछे कि और भाई क्या हालचाल म्यू एन आई, ठीक है हर किसी को बोलना है हेलो की जगह म्यू एन आई, ताकि उनको याद रहे हमेशा के लिए. कोई रिश्तेदार आए तो वो बोले ना कि हाँ भाई आज मैं कुछ सीख के गया हूँ आपके घर से, तो इसलिए ये सब चीजें बोला करो. कोई भी कुछ बोले सीधे बोल दिया करो, एनलिडी अर्थोपोडा मोलस्का हेमिकोडाटा कॉर्डेटा जो भी है जो भी स्टार्ट कर दिया करो. ठीक है अरे सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ. हाँ उनके बच्चों के साथ ये बोलते रहा करो, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाय प्लांट एनिमेलिया. ठीक है तो ताकि उसके बच्चों को लगे कि हाँ यहाँ पे आने से सीखा जाता है. बकवास तो हर कोई करता है, कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए ना इसीलिए. ठीक है भाई घर मत देना पटाई होगी बेटा उसके, हमें मारेंगे पकड़ के. ठीक है भाई. अच्छा एक बात बताओ, ये लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल में क्या फर्क होता है, फ्लेमिंग्स में कब यूज करते हैं? लेफ्ट हैंड मोटर के लिए होता है और राइट हैंड जनरेटर के लिए होता है. वेरी गुड. इसका मतलब तुम्हें एक बात पता है, देखो हमारे पास तीन चीजें होती है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, राइट? अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड और करंट दे रहे हो और फोर्स बना रहे हो, फोर्स बना रहे हो, तो इस टाइम पे फोर्स के डायरेक्शन के लिए हम क्या लेंगे, लेफ्ट फ्लेमिंग, लेफ्ट हैंड रूल. लेकिन अब तुमने उल्टा सोचा कि अगर मैं फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड दे दूं और मैं करंट बनाऊं, करंट बनाऊं, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो, राइट हैंड यूज करेंगे. बिल्कुल राइट हैंड यूज करेंगे और इसी को तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. यस सर. नहीं आया समझ. अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने क्या बताया था, क्या चीज चेंज होनी चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स. वेरी गुड शाबाश. यस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए. मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या बनकर आता है, इंड्यूस, राइट? तो इसका मतलब मैंने तुम्हें शायद इस तरीके से बताया था ना, इंड्यूस ईएमएफ जो होता है ई, इट इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ये फ्लक्स है. यस सर. और डी फाई बाई और फ्लक्स को उतनी चीजों पर डिपेंड करता है. फ्लक्स का मतलब बताया था नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस. बच्चों का एम क्या होता है, बी ए करना, बी ए पास. ठीक है कुछ बच्चों का होता है, मतलब 8 साल के बच्चों का सपना है बी ए करना,
तो उनको उनका ये सपना होता है. हाँ, कॉस थीटा भी था, रोटेट भी कर सकते हैं. अच्छा, मैंने इतना डिटेल बता दिया था, मुझे लगा कि शायद तुम लोगों को याद नहीं होगा. तो बी ए होता है, लेकिन अगर तुम्हें वैक्टर वाइज देखना है तो इसे हम बी ए कॉस थीटा लिखते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास आपने डी और डी टी का भी बता दिया था. डी और डी टी मतलब उसकी भी वैल्यूज निकाल के आपने बताई थी कुछ, मतलब गिवन होती है तो डाल के पूरा आपने निकालना भी बताया था. अच्छा चलो, अभी के लिए इतना ध्यान रखो. ठीक है, तो बी ए कॉस थीटा बी अगर कर दोगे तो मेरे पास एरिया वेरिया. ठीक है, तो मैंने शायद तुम्हें उसके लिए मोटर के लिए बताया था ना, शायद ये बताया था बैन ओमेगा साइन ओमेगा टी. यस सर, बताया था. अरे वाह, सही है, तुमने तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है फिर. ठीक है, बैन ओमेगा साइन, क्योंकि थीटा जो होता है मैंने बताया था ना, थीटा का मतलब ओमेगा टी होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये वेलोसिटी और ये टाइम. तो थीटा के जगह पे ओमेगा टी, और जब तुम इसे डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएशन आगे जाके सीखोगे. मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन सिखा रखा है क्या वैसे? अच्छा, थोड़ा सिखाया था, मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैंने नहीं सिखाया तुम लोगों को पूरी तरीके से इंट्रोडक्शन. तो पूरे तरीके. ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. सर मेरे को एक डाउट था. हाँ हाँ बोलो बोलो. सर एक क्वेश्चन था, सर राइट हैंड थंब रूल का था, जिसके अंदर बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और हॉरिजॉन्टली हमें देखना है. मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है, और हमें बताना है कि करंट ईस्ट टू वेस्ट जाएगा या वेस्ट टू ईस्ट. सर तो वो तो दोनों हो सकता है ना, अगर मैं राइट हैंड साइड से ऑब्जर्व करूंगी तो वेस्ट. मैग्नेटिक फील्ड, एक सेकंड, ये मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने ऐसे सर्कुलर बना दिया है. चलो ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आ रही है, और हमें क्या बताना है, मतलब कुछ फोर्स वोर्स दे रखा है क्या? अभी ऐसा नहीं दे रखा है. नहीं सर, राइट हैंड थंब रूल का, फ्लेमिंग्स का नहीं है, सिर्फ राइट हैंड मैक्सवेल वाला. तो फिर तो बाहर निकल के आएगा ना, देखो. तो उसमें ऑप्शंस है वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट. वेस्ट टू ईस्ट सर, वो तो फिर डिपेंड करता है ना हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं. अगर राइट हैंड साइड से करें तो करंट वेस्ट टू ईस्ट होगा, और लेफ्ट हैंड साइड से करें तो ईस्ट. बिल्कुल बिल्कुल, वैसे इसका करेक्ट आंसर होगा आउट टू दी स्क्रीन या आउटवर्ड टू दी स्क्रीन, स्क्रीन से बाहर की तरफ. ठीक है, तो अब वो डायरेक्शन को देखे बेफालतू की कंफ्यूज कर रहा है, तो मेन होगा बाहर की साइड. ठीक है, ओके. अच्छा ये मैंने तुम्हें एक सर्किट बताई थी ना, कि सर्किट हमारे पास जो वायरिंग होती है उसमें तीन टाइप की वायर होती है, वो कौन कौन सी वायर थी याद है? रेड ब्लैक और ग्रीन. रेड ब्लैक और ग्रीन, पिंक भी थी ना शायद एक. नहीं सर, ये तीन ही बताई थी जितना मेरे को याद है. अच्छा, हर्षित तो कह रहे थे पिंक है हमारे घर में. ठीक है चलो, तो हमारे घर में क्या होती है? अच्छा, तो जो ब्लैक वायर होती है ये लाइव होती है या न्यूट्रल होती है? सर न्यूट्रल. न्यूट्रल होती है. लाइव का कलर होती है. लाइव का कौन सा? लाइव आपका रेड होता है और ग्रीन आपका अर्थिंग होता है. क्या ग्रीन हर सर्किट में होता है? ग्रीन ग्रीन यस सर, मतलब घर में जितनी भी चीजें होती है सब में ग्रीन लगी होती है. यस सर, इससे अगर एक्स्ट्रा करंट फ्लो करे तो वो अर्थ में चला जाता है. सब में तो नहीं होती है. अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मान लो ट्रिमर खरीदा है किसी ने, मान लो विनीत ने एक अच्छा ट्रिमर खरीदा है, अब ट्रिमर के अंदर क्या अर्थिंग आएगी? नो सर. नहीं सर, मतलब दो चाहिए ना सिर्फ, लाइव और मेन. वो सिर्फ अर्थिंग किसमें होनी चाहिए? जो हैवी हैवी अप्लायंसेस होते हैं, फ्रिज, एसी. यस सर, इसमें लगा होता है ना वो तीसरा sir. वाला मोटा सा. ठीक है, क्योंकि इनमें हाई करंट होता है तो इनमें ज्यादा चांस होते हैं, तो इसलिए इनके अंदर सेफ्टी लगाया जाता है. छोटे मोटे के लिए क्या लगाना है भाई? मान लो एक छोटा सा पंखा लेकर आया तुम, 2 रुपए वाला, तो फोन भी समझ लो. फोन ही समझ लो. हाँ फोन भी ले सकते हैं. ठीक है ठीक है भाई, तो आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं है. जरा सारे बच्चे सोच के बताएंगे. मैंने तुम्हें बताया था इस क्रॉस का मतलब क्या होता है. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? मतलब स्क्रीन के अंदर जाना. यस. और इस डॉट का मतलब क्या बताया था? आउट ऑफ द वर्ल्ड, स्क्रीन के, स्क्रीन के बाहर निकल के आना. राइट. यस सर. अच्छा वेरी गुड. अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, एक यहाँ से मेरे पास ये करंट जा रहा है ऐसे, नहीं करंट नहीं, ये एक ऐसे इलेक्ट्रॉन गया, एक ये ऐसे एक इलेक्ट्रॉन गया है, जरा बताना फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी. देखो यहाँ पे इस तरीके से समझ के चलो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. ये अपवर्ड है ऊपर की साइड, ये डाउनवर्ड है,
ऐसे ईस्ट, उधर की साइड जो पीछे की साइड है। अच्छा तुम्हें कन्फ्यूजन हो जाइए क्या ऐसे? अच्छा एक काम कर लो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, सॉरी 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 सॉरी, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है? स्क्रीन पर ही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और एक जो बचा, एक तो स्क्रीन के बाहर और एक स्क्रीन के अंदर, बस यही तो चाहिए होता है। अब तुम खुद सोचो कहाँ पे है। नॉर्थ सबके लिए नॉर्थ है क्या? सुहानी नॉर्थ आ रहा है तुम्हारा? सर एक बार आप बता दो कैसा है। ठीक है सडान, हाँ बताऊंगा मैं। सडान तुम्हारा क्या है? नॉर्थ। पक्का? सर इनसाइड द स्क्रीन नहीं होगा? मुझे नहीं पता, मैं तुमसे फाइनल पूछ रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा ना मैं तो। जब तुम अपने साउथ, मेरा साउथ आ रहा है। अब चेंज हो गया सबका, अभी से पहले सारे बहुमत कर रहे थे। क्योंकि फार अवे जा रहा था ना इसीलिए। देखो सारे बच्चे, मैं तुमसे फोर्स पूछ रहा हूँ, तो सारे बच्चे खोलें अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। स्क्रीन की वजह से उल्टा दिख रहा होगा तुम्हें मे बी, तो लेफ्ट हैंड रूल है मेरे पास। सारे बच्चे देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की साइड जा रही है, तो अपना जो ये उंगली है पहली वाली, इसको अंदर ले जाओ। अंदर ले गए। अब इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे आ रहा है तो करंट हमेशा अपोजिट आता है ना? अपोजिट जाएगा। अपोजिट अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो करंट हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो वो इधर की साइड जाएगा। तो अंगूठा कहाँ आ रहा है? नॉर्थ। ऊपर की साइड। और ऊपर का मतलब क्या है यहाँ पे? नॉर्थ, या फिर ऊपर लिखो जैसे तुम्हें ठीक लगे। ठीक है तो इसका मतलब फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की साइड लगेगा। ठीक है जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ रखा है उनकी से रिक्वेस्ट है कि वो पहले एक बार वीडियो देखें यूट्यूब पर। ठीक है तो मेरे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये वाला इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मैंने बताया था ना, फादर मदर चिल्ड्रन, अंगूठा फादर होता है, ये मदर होता है, और फिर ये करंट को शो करता है। ठीक है अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड निकल के आ रही है, डॉट का मतलब बाहर की साइड। ठीक है और अब एक ना मेरे पास इस तरीके से जा रहा है यहाँ पे, ये मेरे पास एक जा रहा है अल्फा पार्टिकल। अब बच्चे सोचेंगे सर अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल एक तरह से ना प्रोटोन जैसा होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज का होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है ये। डॉट मैग्नेटिक फील्ड है? हाँ ऑफ कोर्स भाई, डॉट तो मैग्नेटिक फील्ड होती है। बताएं साउथ, साउथ के साइड जा रहा है। अच्छा नॉर्थ। सर साउथ आ रहा है मेरा। साउथ आ रहा है सर। नॉर्थ। ठीक है भाई, आई हो सोने कर लिया होगा। देखो भाई अल्फा पार्टिकल मेरे पास पॉजिटिव होता है, फिर से वही चीज, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल खोले। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है? बाहर की साइड आ रही है। आई नो थोड़ा करना मुश्किल हुआ होगा तुम लोगों को, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड आ रही है, तो अपने मुंह की साइड करो ये वाली पहली वाली उंगली। ठीक है अब ये अल्फा पार्टिकल इधर की साइड जा रहा है, तो अल्फा पार्टिकल अगर इधर की साइड जा रहा है तो ध्यान रखना थोड़ा सा उंगली करना शिफ्ट मुश्किल होगा। ये ऐसे, ये करंट ऐसे, तो अंगूठा कहाँ आ रहा है? नीचे की साइड आ रहा है ना? Yes, sir. थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करो। कुछ बच्चे उसको एडजस्ट करने के चक्कर में दूसरा भूल गए, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं करना, घूमर घूमर नहीं करना है। कुछ बच्चे डांस कर रहे हैं कि घूमर घूमर। अरे मैं बता रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो थोड़ा आगे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड आ रही है, तो देखो ये मेरी जो उंगली है ये वाली, एक तो मेरा मास्क है ना, एक हाँ यहाँ पे देखो, ये अंगूठा है, ये पहली उंगली है और ये दूसरी उंगली है। तो पहली उंगली तो मेरी साइड आ रही है ऐसे, राइट ये वाली ऐसे, पहली उंगली मेरी साइड आ रही है। ये करंट कहाँ पे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, तो करंट ऐसे करके जा रहा है। एक सेकंड, आप खुद कंफ्यूज हो गए। अरे यार एक सेकंड हो जाओ सर, मास्क हटा लो सर, आप मास्क। हाँ 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 हाँ, एक सेकंड कोरोना वायरस फैलाओगे मतलब तुम लोग। ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए हम ये भी सह लेंगे। ठीक है भाई अब सारे बच्चे ध्यान से देखना। देखो फादर मदर चिल्ड्रन है मेरे पास, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की साइड है। अब ना इसको पकड़ के रखो, क्योंकि दूसरे को चेंज करने के चक्कर में पहला वाला चेंज हो जाता है। इसको पकड़ के रखो कि तू यहीं पर ही रहेगा और बाकी को बुला के लेकर आ। तो इसको घुमाओ, जब तुम इसको घुमाओगे तो देखो इसको यहीं पर ही रखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, तो अंगूठा कहाँ गया?
अंगूठा नीचे की साइड हो गया ना, नीचे चला गया, नीचे चला गया ना भाई, थोड़ा सा एडजस्ट करना मुश्किल है आई नो, लेकिन कोशिश करो एक बार। नहीं सर, हो गया नीचे आ गया मेरा अंगूठा, हो गया। थोड़ा सा मुश्किल है, कोई बात नहीं, चलो वैसे हाइपोथेटिकल है इतना, वो तुम्हारे एक बच्चे की हार्ट टूट गया बताओ करते करते, तो ऐसा वो नहीं देते हैं ठीक है, तो इसीलिए। तो आई हो सबको समझ आ गया होगा। चलो मान लो अगर मैं इसी को क्रॉस कर दूं, मैट ही फिलहाल अंदर जा रही है, अब करना जरा एक बार। नॉर्थ ठीक है, देखो भाई मैटिफिल वही अंदर की साइड आ रही है ठीक है, अब मैटिफिल, अच्छा मैटिफिल अंदर की साइड जा रही है यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल तो वहीं पर ही जा रहा है, कितना सही है ये तो, वही तो बहुत ही आसान है एकदम, वही हो गया ना जैसा बनाते हो यूजुअली भाई, कोई कहता है बना के दिखाओ तो सामने तो दिख रहा है यही है ठीक है भाई, पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, हाँ जो वैसा था ठीक है भाई। तो आई होप इसमें किसी को दो बच्चे जो है नए प्यारे प्यारे, ये कीर्ति का और मोहित, तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना, कहेंगे यस सर। कीर्तिका तुम हो क्लास के अंदर, कीर्तिका मोहित यस सर, समझ में आ रहा है यस सर। अच्छा अच्छा, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना पर्सनली ठीक है, मुझे चुपके से मैसेज कर देना, किसी को पता नहीं चलेगा और मैं नाम भी नहीं लूंगा ठीक है भाई, किसी को भी कोई भी डाउट हो ठीक है, दोनों भाई बहन एक जैसे हैं बिल्कुल, चलो भाई बहन हो ना वैसे, सर भाई बहन है बट एक जैसे नहीं है। अच्छा 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 ठीक है ओके। इंटेलिजेंट कौन है तुम में से, कीर्तिका या मोहित? कीर्तिका सर, टेस्ट रिजल्ट देखने के बाद आप मेरा नाम तो नहीं लोगे। अच्छा वैसे यूजुअली ज्यादा किसके आते हैं सर? मेरे। अच्छा मोहित बताओ, तुम्हारी तो बेइज्जती हो गई पूरी क्लास में अब, कीर्तिका ने कीर्तिका ने अनाउंस कर दिया कि मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। नहीं चलो ठीक है मोहित, अब तुम्हारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, अगर अगले टेस्ट में तुमने नहीं मचाया तो ध्यान रखना फिर। चलो भाई आते, यस सर ठीक है, चलो भाई और लड़ना मत क्लास के बाद कि हाउ डेयर यू ठीक है, चलो भाई आते हैं टॉपिक के ऊपर, सर वो रूल है ठीक है भाई। अच्छा भाई तो ये था हमारे पास। अच्छा एक बात बताओ हर्षिता, मैंने एक चीज बताई थी शॉर्ट सर्किट, हाँ मेरा एस थोड़ा गड़बड़ है यार, तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है? फिर ओवरफ्लो ऑफ करंट, ओवरफ्लो ऑफ करंट, अच्छा तो ओवरफ्लोइंग क्या होता है, ओवरलोडिंग? बताओ जो लाइव वायर न्यूट्रल वायर, हाँ देखो कॉन्टैक्ट से तो स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं, लाइव वायर का पोटेंशियल हाई रहता है और जो वाली वायर है कौन सी वाली, जीरो न्यूट्रल वायर, उसका जीरो रहता है। तो अब अगर तुमने दोनों को ही टच करवा दिया तो एकदम पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया, तो एकदम हाई करंट फ्लो करेगा, और एकदम हाई करंट फ्लो करेगा तो स्पार्क प्रोड्यूस हो जाएगा, एकदम बम ब्लास्ट हो जाएगा, तुम एकदम उड़ जाओगे धड़ाक एकदम से ठीक है, टकरा के ऐसे सीधे, सॉरी ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, स्पार्क प्रोड्यूस हो जाएगा ठीक है भाई, मेरे बाल आजकल बड़े हो गए हैं स्टाइल मानने के लिए ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं एक तो आजकल चीजें मैं भूल जाता हूँ दिमाग से, उम्र हो गई ओवरलोडिंग के लिए क्या होता है, मान लो एक बेचारी कोई गरीब बेटी है ठीक है, तो गरीब मान लो, लेकिन उसके घर में उसको उसने 5 AC लगवाए हैं, एक बेचारी झोपड़ी है उसकी ठीक है, लेकिन उसने 5 AC लगवाए हैं, कह रही मैं ऐसी अमीर हूँ, मतलब मैं दिल से बहुत अमीर हूँ लेकिन बाहर से गरीब हूँ, हमने कहा ठीक है, और BMW भी है, 5 BMW लगी हुई है जंजीर ठीक है, तो इसने बिजली चलाई, लेकिन अब सरकार ने तो वही गरीब वाला कनेक्शन दिया, तो क्या इसके AC चल पाएंगे, इसने कही जैसा करना है करो, मैं तो पांचों को पांचों चलाऊंगी, तभी मुझे नींद आती है, उससे कम में नींद ही नहीं आती ठीक है भाई। तो जैसे उसने AC चलाया तो क्या हुआ, सारी टायर फूक गई, शॉर्ट सर्किट, कह रही हाउ इज इट पॉसिबल, उन्होंने कॉल किया पुलिस वालों को, डांटा खूब, पुलिस वालों को नहीं इलेक्ट्रिकल वालों को ठीक है, पुलिस वालों को भी डांटेगी, पुलिस वाले तो उन्हीं को डांट देंगे कि 5 AC कहां से लाएगी तुम ठीक है। तो इसीलिए इसे कहते हैं ओवरलोडिंग, जब किसी परमिसिबल लिमिट को वो क्रॉस कर दे, जैसे तुम कुछ भी बोलते रहते हो टीचर को, बोलते रहते हो ना कि हमें सब पता है, मान लो कि कोई एक्साइट होकर टीचर को गाली देने चला गया ठीक है, मान लो कोई ज्यादा बच्चा एक्साइट हो गया और टीचर को, अभी अभी एक केस आया है नोएडा से, अभी एक बच्चे, एक तुमने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि एक बच्चा आया, स्कूल की क्लास चल रही थी, तो वो आया 2-3 लड़की को उसने गाली दी और मैडम की बेटी को गाली देकर चला गया, तो अब वो मैडम गुस्सा हो गई, मैडम ने घर पे जाके कुटाई की उसके, हाँ वो वाला भी केस है, एक नया आया है आज, तो फाइनली क्या हुआ, तो अब प्रिंसिपल तक बात पहुंच गई ये वाली,
तो प्रिंसिपल मैम ने सर्कुलर जारी किया कि जो भी वो बच्चा था बताओ। वो लड़का एक्चुअली दूसरे नाम से आया था और फिर असली नाम से भी था, तो चला के दिखाई दी उस लड़के ने, लेकिन वो रिवील नहीं हुआ कि कोई आया ही नहीं सामने। तो फिर पुलिस FIR कर दी, FIR करने के बाद IP एड्रेस से पकड़ा गया वो, और पकड़ा गया तो फिर उसने तभी बोला कि मैं तो नहीं हूँ, मैं तो नहीं बताऊंगा, मतलब तो गाना बजाया था बच्चे ने। फाइनली फिर वो पकड़ा गया। हमने तब बजाया था जब टीचर डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा, चलो गाने वाले साथ तो कल अलग ही कांड हुआ है बच्चों ने। क्या हुआ है? एक मैसेज था स्कूल की तरफ से, इन गधों ने मैसेज बनाया कि स्कूल 20th October से खुल रहे हैं, और नीचे लिंक दे दिया है फालतू का। अच्छा। लिंक पे क्लिक करोगे तो डॉक्टर मशहूर गुलाटी फोटो आएगी, कैसा लगा मेरा मजाक पे सर्कुलेट हो गया, सर्कुलेट हो गया तो आज प्रिंसिपल का मैसेज आ गया कि जिसने भी किया उसको पकड़ा जाएगा। चलो ये तो ठीक है, ये तो चलो मजाक हो गया। एक वो हो जाता ना गाली वाला, तो वो तो ऑफकोर्स में पकड़ा जाना चाहिए। सर हमारी क्लास में एक चीज हुई थी जो भाई मैं आपको कभी बाद में बताऊंगी, यहाँ पे क्लास में बहुत अलग चीज हो गई थी। तब हमारे में एक घंटे तक वो क्लास चली था, प्रिंसिपल सब आ गए थे, और एकदम मतलब गंदी लेवल वाला, मतलब एकदम सोच लो कितना गंदा जितना हो सकता है। क्या लड़ाई हो गई थी बच्चों की और मैडमों की? सर बस शेयर स्क्रीन करी थी, अब बाकी मैं नहीं बोल रही। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। ठीक है, तो तुम बंगाली में बोलती थी ईबा हो बे ना। तो मेरे को तो पता ही नहीं था ना, हम उनकी क्लास में ध्यान ही नहीं देते। कोई बात नहीं, तो फिर भी सही रहता ना एकदम की कहा होगा। ठीक है जो भी, चलो ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास क्या होता है, एक मान लो फ्यूज है, तो ये फ्यूज क्या होता है? फ्यूज वायर ज्यादा करंट फ्लो कर जाता है, शॉर्ट सर्किट वो ब्रेक हो जाता है। ये जो बोर्ड लगे होते हैं, तो बोर्ड में एक फ्यूज होता है ना, तो फ्यूज में एक वायर होती है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे गांव में क्या हुआ, एक बार रात को बिजली तेज आ गई और सारी चीज फूक गई, तो नुकसान हो गया। तो फिर इन्होंने मेरे को याद किया, तो मैंने कहा एक काम करो, फ्यूज अपनाओ और बिजली बचाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। तो अब वो 10 लॉ ऑफ हीटिंग होता है, हाँ इस पे ही है वो भी। तो ये फ्यूज लेकर आए 10 रुपए का। अब अगर बिजली तेज आएगी तो पहले फ्यूज ही फूक जाएगा और लाइट बच जाएगी, तो इसका मतलब तुम्हें लाख रुपए खर्च करने हैं या 10 रुपए खर्च करने हैं? लोग कह रहे नहीं कह रहे शौक भी कोई बड़ी चीज होती है, तो शौक तो ठीक है, शौक अपना लो अपने फिर पूरे। तो ये हमारे पास, तो फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है या लो होता है? लो, तभी तो मेल्ट होगा। अगर हाई हो गया तो फिर तो ये भी नहीं फूकेगा बल्कि सारी चीजें फुकवा देगा, तो तुम्हारे 10 रुपए भी गए और लाख रुपए तो गए ही गए। तो एक आदमी लड़ने आ गया कि मेरे 10 रुपए दो, क्या क्यों मेरा लाखों का सामान फूक गया है। चलो ठीक है देते ना फिर, कॉपर का होता है। ठीक है हाँ, तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है भाई। ठीक है सर, वो ब्रेक हो जाती है ना? हाँ हाँ ब्रेक हो जाता है तो सर्किट पूरी टूट जाएगी ना, तो आगे करंट जाएगा ही नहीं जैसे तेज होगा वो। राइट एवरीबॉडी, मेरे घर पे 15 लगे हुए हैं। अरे वाह, हर महीने एल्युमिनियम निकल कोबाल्ट, क्या बात है। ठीक है भाई, बेच मत आना उसे फिर। ठीक है अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर अच्छा डायग्राम तुम लोगों को मैंने प्रैक्टिस करवाई थी ना, कि एक स्ट्रेट वायर के अंदर एक इस तरीके से अगर एक ऐसी है तो यहाँ पे कार्डबोर्ड रखते हैं, याद आया जो एलियन जैसा बन गया था? ऐसे मत करते ना कि टाना ना ना ना, ठीक है? तो ये मत बना देना। हाँ वो कर देते हैं ना, वो एकदम से याद आता है, कुछ लगा देते हैं, टाना ना ना ना, चश्मा लगा देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से तुम्हें ऐसे बना देना, ठीक है इस तरीके से बना देना। सच बता रहा हूँ, कोई उल्टा सीधा मत बना, ये करंट भी दिखाना है, ध्यान रखना वरना नंबर नहीं मिलेंगे। करंट ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे ऐसे आएगा और यहाँ पे इस तरीके से आएगा, राइट? ये डायरेक्शन दिखानी होती है मैग्नेटिक फील्ड और इसकी आयरन फिलिंग्स के थ्रू। यस बिल्कुल, तो समझा दोगे तो और भी अच्छी बात है। ये सब नहीं बनाना है, ना ये बनाना, ना ये बनाना है, ठीक है? ऐसे कहके, ठीक है कि उफ्स, कह रहा है उफ्स सी। ठीक है भाई, चलो भाई चलो, मुझे लगता है कि मैग्नेटिक्स का तो चैप्टर यार काफी इजी आई हो, मुझे कुछ कोई दिक्कत होने वाली तो है नहीं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में एक चीज पूछता है, एक सेकंड कह रहे अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आता है, जरा मुझे एक बात बताना। मैंने शायद तुम्हें एक चीज बताई थी, राखी सावंत तो सब लोग जानते होंगे, सबके फेवरेट राखी सावंत। यस ठीक है, पर मेरी नहीं। तो मान लो ये अगर हमारे पास, अच्छा सक्षम किया, सक्षम बोल रहा था एक दिन सर मैंने कुछ नहीं, अच्छा तो ये हमारे पास इस तरीके से, अच्छा ये तो झूठ है सर, अरे सही में नहीं पता कौन है। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा देखो मान लो ये मेरे पास एक ना इस तरीके से एक ये कॉइल है, विनीत जानता है
अच्छा मुझे पता था वैसे. मान लो इसके अंदर तुमने करंट भेजा, अब अगर तुमने इसके अंदर करंट भेजा, देखो कॉइल में तुमने करंट भेजा इस वाली कॉइल में, तो क्या इस वाली कॉइल में भी करंट आने के चांसेस हैं या नहीं बताओ. क्यों? क्योंकि सर करंट चेंज हुआ तो सर थोड़ा सा प्लस चेंज हुआ. हाँ देखो मैंने बताया था बदलाव, चेंज जरूरी है, बदलाव जरूरी है, ये डायलॉग याद है मेरा. तो बदलाव जरूरी क्यों है? बदलाव गंदा बदलाव नहीं कि ऐसे बच्चा कह रहा हाँ सर पहले मैं अच्छा था अब देखो मैं कुछ और बन गया हूँ, तो ऐसे हरकतें मत करना, मैं मारेगी पकड़ के कि क्या बन गया. तो यस, तो क्या टेस्ट है तुम्हारा सर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, अभी अभी ग्रुप पे आया. अच्छा आज संडे संडे संडे. अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, वो सब तो चलते रहेंगे. तो जैसे ही इसके अंदर करंट आता है ना, देखो तो मुझे एक बात बताओ, चैप्टर का नाम क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. तो करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी या नहीं आएगी? मैग्नेटिक फील्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो यहाँ पर भी उसका फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा. पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी और अब मैग्नेटिक फील्ड है, तो बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया? तो पहले मैग्नेटिक फील्ड थी, अब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो अब भी चेंज हुआ नहीं हुआ? आएगा. लेकिन मान लो अगर तुमने करंट भेजा रखा, अभी अभी भी 25 है, अभी भी 25 है, अभी अभी भी आ रहा है उसमें करंट? मिशनोमर का मतलब जैसे एक छोटा सा बच्चा, उसका नाम है लंबू, लेकिन वो है छोटा सा इतना सा, तो कहते लंबू क्यों कहते हैं? कह रहे मेरा मजाक उड़ाते हैं. तो ये मिशनोमर है, ठीक है. जैसे मान लो एक बच्चा फेल हो जाता है, लोग उसको बोलते हैं ये टॉपर, क्या हाल चाल, तो ये क्या है? मिशनोमर है, वो टॉपर नहीं है. मैग्नेटिक फोर्स और चेंज होते हैं मैग्नेटिक फील्ड को. ठीक है, क्या पता बोल बोल के बन जाए. ठीक है, हाँ हाँ, ये बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया काम है. ठीक है भाई, तो इसीलिए ये हमारे पास, जैसे तुम्हें पता होगा ना, जैसे कोई स्विच है, अगर मैं स्विच को ऊपर नीचे करता हूँ तो एक बार कभी चिंगारी आती है अंदर से? यस सर. एक छोटा बच्चा डर गया. क्यों? क्योंकि एकदम से चेंज होता है. मान लो तुमने दबा दिया खटका, खटका दबा दिया मैंने, क्या अभी अभी भी चिंगारी आ रही है? एक बच्चा कह रहा है ओ चिंगारी वाह, अब नहीं आ रही. जब तुम ऊपर या नीचे करते हो तभी आते हैं, क्योंकि चेंज तो तभी माना जाएगा ना. जब चेंज होगा तभी तो चिंगारी आएगी. ओ मैं तो कूल लग रहा हूँ, वाह. ठीक है, तो ये क्या है? ये सब चिंगारी का असर है, ये सब उसका नहीं है. देखो ऐसे करा चिंगारी आई, एकदम से बंद करा चिंगारी आई, तो यही चिंगारी. ये क्या है मेरे पास? चिंगारी नहीं है. एक बार एक कैप आई थी चिंगारी, वो जब टिकटॉक बैन हुआ था. अभी भी है. अच्छा हाँ, हर्षिता है तो उसपे, हर्षिता ऐसे करती है, चिंगारी ओ चिंगारी. ठीक है चलो भाई, ठीक है भाई, याद रहे, कहती है फॉलोवर्स फॉलो माई पेज. चलो भाई ठीक है. यूट्यूब टिकटॉक, यहाँ पे वो है क्या नाम है, अरे कांगड़ी लड़की आस्था, आस्था है टिकटॉक और सबसे बड़ी फॉलोवर्स थे. आस्था नहीं है शायद, आस्था है, ऐसे कहती हो. मैं नहीं था, ये आस्था मेरे नाम से वो बना रखी थी फेक आईडी, मुझे सब पता है. आपके मोबाइल में भी था? नहीं मेरे मोबाइल में नहीं था सर. आस्था मीटिंग में नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं? आस्था है ही नहीं. अरे कहाँ गई आज, अभी तो आई थी. उसका ना नेट प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई उसे. अच्छा अच्छा अच्छा, चलो भाई ठीक है, तो और प्रैक्टिस करो. ठीक है इसकी. अच्छा एक चीज, एक फॉर्मूला याद रखना, जब भी मेरे पास स्ट्रेट वायर होती है और किसी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है किसी पॉइंट पर, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू आई बाय 2πr. ध्यान रखना म्यू आई बाय 2πr होता है. ठीक है भाई. और जब मेरे पास कॉइल के सेंटर पे तुम निकालना चाहते हो तो ये हो जाता है म्यू आई बाय 2r बस. हाँ अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो एन से मल्टीप्लाई कर देना. सारे बच्चे कहते हैं सर हाउ इज इट पॉसिबल, जो स्ट्रेट है उसमें 2πr और जो गोल है उसमें 2πr नहीं है. हाँ यही तो विडंबना है, यही तो बहुत बड़ी सिचुएशन है, क्योंकि म्यू नॉट, इसकी ना डेरिवेशन है, मैं करवा दूंगा डेरिवेशन, वो 12th में तुम पढ़ोगे ऑफ कोर्स. अभी के लिए बस फॉर्मूला याद रखो, अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड पता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, म्यू आई बाय 2πr, और अगर कॉइल के बीच में निकालनी है तो म्यू आई बाय r. मतलब जो स्ट्रेट है उसमें पाई लगेगा नीचे, और जो स्ट्रेट नहीं है उसमें पाई नहीं लगेगा. ठीक है, उल्टा मत सोच लेना कि सर सर्कल में तो 2πr होता है, नीचे पाई 2πr लगा दो. ध्यान रखें सारे बच्चे कान खोल के.
कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, डेरिवेशन होती है इसकी जो बायर सेवर्ट लॉ ना उससे करके दिखाते हैं, ठीक है। तो चलो भाई आज के लिए इतने, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर, बाय, थैंक यू सर।